Assalamu alaikum, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed exercise 6.4. This number there to the question number 2. I am going to start with question number 3. Okay, question number 3 mein, find the LCM and then find the first 3 common multiple of this number. Isme keh raha hai ki sabse pehle inke LCM find out karna, uske baad inke starting ke 3 common multiple find out karne hain. तो आइए सबसे पहले इनके एलसीएम निकालते हैं. ए है 6 एंड 9. तो एलसीएम निकालने के लिए मल्टीपल निकालते हैं. मल्टीपल तो 6 के मल्टीपल क्या रहेंगे? 6 12 18 24 30 36. ठीक है, उसके बाद मल्टीपल तो 9 9 9 18 27 36 45 52. ये आपके मल्टीपल्स आएंगे 9 के. अब हमें जो कि एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है. तो बताइए सबसे पहला कॉमन मल्टीपल इसमें 6 है नहीं, 12 है इसमें नहीं है, 18 इसमें, 18 इसमें नहीं है. तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आपको क्या मिल रहा है? 18 मिल रहा है. तो लिख देंगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज 18. एलसीएम कितना आ गया? 6 एंड 9 का एलसीएम आपका 18 आ गया. हम सीख चुके हैं सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जो होता है वही हमारा एलसीएम कहलाता है. अब इसके आगे बोल रहा है कि एलसीएम निकालने के बाद इसके स्टार्टिंग के 3 कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं. तो 3 और कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं. देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट कॉमन मल्टीपल पहला कॉमन मल्टीपल हमारा जो होगा वो जो 18 एलसीएम आया हुआ है ना, 18 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18. तो पहला कॉमन मल्टीपल हमारा 18 ही आएगा जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं. अब हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड कॉमन मल्टीपल. अब सेकंड कॉमन मल्टीपल जो होगा इस 18 जो एलसीएम आया हुआ है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा. अब फाइंड आउट करते हैं थर्ड कॉमन मल्टीपल. तो थर्ड कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 18 3 आपको हो जाएगा 54. तो इसके जो 3 कॉमन मल्टीपल वो आपके सामने हैं. फर्स्ट आ जाएगा 18, सेकंड 36 और थर्ड आपका 54 हो जाएगा. तो इस तरीके से आप कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लेंगे. इसे नोट डाउन कर लीजिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. इसमें हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है 25 एंड 20. पहले फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 25 के मल्टीपल देखते हैं. 25 50 75 100 125. उसके बाद आते हैं मल्टीपल ऑफ 20 के मल्टीपल आपके क्या आ जाएंगे? 20 आएगा, 40 आएगा, 60 80 100 120 140. तो यहाँ तक कितने हैं देखते हैं हमें कोई कॉमन मल्टीपल मिलता है या नहीं. 25 में आ सकता है इसमें नहीं, 50 इसमें इसमें नहीं है, 75 इसमें इसमें नहीं है, 100 इसमें भी आपको मिल रहा है. तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आपको क्या मिल रहा है? 100 मिल रहा है. तो एलसीएम हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ 25 और 20 का एलसीएम आपको क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा. इसे लिख लीजिए एलसीएम आपका आ जाएगा 100.
ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें तीन कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट करते हैं, तो वही सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, पहला कॉमन मल्टीपल जो एलसीएम आया हुआ है उसमें हम मल्टीप्लाई करने के बाद से तो ये हमारा आ जाएगा 100। दूसरा कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए इस 100 में मल्टीप्लाई करते हैं उससे तो ये हो जाएगा 200। और थर्ड कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए इस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आपको हो जाएगा 300। इसका मतलब अगर हमें एलसीएम पता हो तो एलसीएम से हम जितने चाहे उतने कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ में है राइट द लीस्ट टू डिजिट नंबर दैट हैज, कह रहे इसमें सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा टू डिजिट नंबर लिखना है, दो डिजिट का नंबर लिखना है। दैट हैज क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2, 3, 5 and 10 एज इट फैक्टर, वो दो डिजिट का नंबर बताइए जिसका फैक्टर 2 भी हो, 3 भी हो, 5 भी हो और 10 भी हो, जिसमें टोटल चार नंबर है, ये चारों उसके फैक्टर होने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम करते क्या है, इन चारों नंबर को हम एक नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं 2, 3, 5 and 8, 2 का, 3 का, 5 का और 10। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 लेंगे, 2 अंदर 2, 3 डिवाइड नहीं होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा, 2, 5 का 10। अब इसमें देखें इसमें 2 से डिवाइड कोई नंबर होगा नहीं, तो अगला नंबर लेते हैं 3, 3 से ये कटेगा 5, 5। अब केवल एक ही नंबर आपका 5 बच रहा है, तो अगला डिवाइड करते हैं 5 से, ये भी 3, तो आपका सारे केस में 1 आ चुका है। तो अब हम करते क्या है, ये जो हमारे फैक्टर साइड में एलसीएम हमारा क्या होगा 2 × 3 × 5, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा 30। तो ये जो एलसीएम 30 आया हुआ है हकीकत में यही नंबर आपका रिक्वायर्ड था, तो लिखेंगे लीस्ट टू डिजिट नंबर इज 30। तो दो डिजिट का सबसे छोटा नंबर आपका क्या है 30 ही है, तो 30 के ये सारे क्या है फैक्टर 2, 3, 5 और 10। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, जिसमें एलसीएम बिल्कुल सिंपल था, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, डी में आपका है 9 and 10 एज इट फैक्टर, अब जो भी नंबर दो डिजिट का होगा उसके फैक्टर क्या होने चाहिए 9 और 10 होने चाहिए। तो ऐसे में 9 और 10 में हम निकालते हैं एलसीएम, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइड होगा नहीं, 2, 5 का 10 आएगा, 2 का टेबल पड़ेगा 5 टाइम तब आएगा 10, 2, 5 का 10। फिर से अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड होगा, 3, 3 9, ये 4, 5, यहाँ पर 3 से होगा 1, 5, 5 से होगा 1, 1, तो इसके एलसीएम आ रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 5। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, 30 × 3 = 9, एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 90, और लीस्ट डिजिट नंबर आपका क्या हो गया 90 हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर डी। अब इसी तरह से इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आप फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है, क्लास में।